ललितपुर जनपद के बेसिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत एससी एसटी बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि उनका डिमोशन कर न्यायालय के आदेशों की अवमानना की गई है। धरना प्रदर्शन एवं क्रमिक अनशन करते हुए वेलफेयर एसोसिएशन ने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षक शिक्षिकाओं को नियम के विरुद्ध पदोन्नत नहीं किया गया। अब ऐसे में यह लोग शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है इन कर्मचारियों का। यहाँ धरना प्रदर्शन करने का कारण है हमारे ललितपुर जिले में हमारे एससी एसटी के 114 भाई बहनों का गलत तरीके से डिमोशन किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना अमरीश कुमार यादव बीएसए के द्वारा की गई है। संविधान के आदेशों की अवहेलना अमरीश कुमार बीएसए यादव के द्वारा की गई है। जब तक कि हमारे भाइयों को फिर से उनके सही पद पर उनको फिर से बहाल नहीं किया जाता, उनको डिमोशन वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये आंदोलन हमारा और तीव्र और तेज़ होता चला जाएगा और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये आंदोलन होगा। हम आज या तो मरेंगे और या उसे मारेंगे। न्यूज़ बीके के लिए ललितपुर से कैमरा पर्सन महेंद्र सोनी के साथ मनोज जैन की रिपोर्ट।